तो देख सकते हो ये मीडियम में यहाँ पे सिंपली आ चुका है। अब इसके साइज को मैं चाहूँ तो इंक्रीज कर सकता हूँ या डिक्रीज कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर है। अगर आपको यूज करना हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो हे एंड वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको तीन ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने शायद कभी जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो आज जान लो। सो गाइस, ऐसे टाइप की वीडियोस हम लगातार लाते रहते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइस देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन का जो नाम है उसका नाम है गिगनेटो, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन से होता गया है, तो देखो सिंपली एक मेरा ये यूट्यूब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिंपल, एंड एक दूसरा यूट्यूब यहाँ पे मुझे आपको सिंपल दिख रहा होगा, लेकिन मैं इस वाले यूट्यूब के साइज़ को ना जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकता हूँ। लाइक मैं पूरे स्क्रीन पर भी इसको कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक मैं इसको यहाँ से हटा के एक खाली वाली जगह पर ले चलते हैं पहले, ठीक है। तो ये खाली वाला जगह यहाँ ले आया। अब इसको इस साइज़ को मैं जितना मर्जी उतना बड़ा कर सकता हूँ, देख सकते हो, और साथ इसको जितना चाहे उतना छोटा कर सकता हूँ, देख सकते हो, कुछ इस तरीके से छोटा करके रख सकता हूँ। ये काफ़ी कूल लगता है यार, अपने स्क्रीन पे आप लगा के रख लो, सामने वाले को लगेगा भाई इतना बड़ा क्या है, बट ये दरअसल में काम भी करता है। लाइक मैंने यूट्यूब खोला तो देख सकते हो यूट्यूब खुल चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सिंपली स्क्रीन पे आपको अपने टैप करके रखना है, वेजेट्स पे जाना है, एंड इस गिगनेटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे गिगनेटो दिख रहा है, इस पर सिलेक्ट करना है एंड इसको प्रेस करके रखना है एंड अपने स्क्रीन पे यहाँ पे ले आना है। स्क्रीन पे लाते ही आपको ढेर सारे एप्लीकेशन दिखने लग जाएंगे, जो भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन होंगे वो सारे। तो सिंपली लाइक मैं यहाँ पे BGMI को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो ये BGMI यहाँ पे सिंपली आ चुका है। अब इसके साइज़ को मैं चाहूँ तो इंक्रीज़ कर सकता हूँ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर है। अगर आपको यूज़ करना हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं लाइक छोटा कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको ऐसा कर देता हूँ। और देखने में भी कूल लग रहा है यार, मतलब इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क लग रहा है, कि लग रहा है कि यार हाँ दूसरे टाइप का एप्लीकेशन है, बट ये काम भी करता है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करता, ये देखो काम करता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन। सो होपफुली वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। दूसरे एप्लीकेशन में गाइस देख सकते हो सामने स्क्रीन पे मेरे एक लाइव वॉलपेपर चल रहा है, ठीक है। इस वो ऐसे वॉलपेपर्स आप भी लगा सकते हो बहुत इजी तरीके से। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो वॉलपेपर का आपको लिंक देखने को मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का। तो इस एप्लीकेशन पर सिंपली आपको टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद थोड़ा देर टाइम लेगा, और हाँ अगर आपने मेरे एड ब्लॉक वाली वीडियो नहीं देख रखी है ना, तो यहाँ पे आपको ऐड भर भर के देखने को मिलेंगे, तो जाके ऐड ब्लॉक नहीं किया हुआ तो ऐड ब्लॉक कर लो, आपको मिल जाएगा। तो गाइस देख सकते हो अभी मैं दूसरा वॉलपेपर यहाँ पे मेरे ये बना रखा है इसको, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, लाइक मैं अगर इसको लॉन्च करता हूँ तो ये सिंपली लॉन्च हो जाएगा एंड ये मेरे वॉलपेपर पे आके लग जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा वॉलपेपर अभी लग चुका है कुछ इस तरीके का, जो कि देखने में भी काफ़ी यूनिक लगता है यार, कूल लगता है देखने में और मुझे बहुत पसंद है यार, मैं तो इसको यूज ही करता हूँ अब तो, हमेशा मैं ऐसे ही वॉलपेपर रखता हूँ। और सच बताऊँ ना, अगर आप अपना स्क्रीन लॉक कर दोगे तो बैकग्राउंड में ये बिल्कुल रन नहीं करता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। जैसे आप जब स्क्रीन लॉक, अभी मैं स्क्रीन लॉक कर नहीं सकता, स्क्रीन लॉक करूँगा तो फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे बंद हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सिंपली क्या करना है, आप जब अपना स्क्रीन बंद करोगे तो ये वॉलपेपर जहाँ रुका हुआ था ना वहीं से वॉलपेपर स्टार्ट होगा, दूसरी जगह से स्टार्ट नहीं होगा। इट मीन्स ये बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नहीं चलता, बिल्कुल स्टॉप रहता है, ठीक है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे ये ऐप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ से आपको सिंपली डाउनलोड करना होगा, ठीक है। एंड गाइस, थर्ड एप्लीकेशन का नाम बताने से पहले बता दूँ, मैंने पहले भी एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था जिसमें आप फ्री में मूवीज़ देख सकते हो बहुत सारी, बट उसमें क्या था कि आप किसी को भी सबसे पहले तो आपको रेफ़र करना होता था, कॉइन अर्न करना होता था, लेकिन क्या करें यार, फ्री में तो इतना तो करना पड़ेगा। बट मैं जो अभी एप्लीकेशन लेके आया हूँ ना आपके लिए, ये टोटली फ्री है भाई, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ना ऐड देखने को मिलेंगे ना कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिंपली दुनिया भर की मूवी और वेब सीरीज़ है, आप सिंपली उसको जाके वॉच कर सकते हो और साथ साथ प्ले भी कर सकते हो अपने मन मर्जी जगह पर। इसका भी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड करके एंड प्ले कर सकते हो। लाइक ये वेडनेसडे है, सीज़न 2 तो अभी आया नहीं, सीज़न 1 है, एंड यहाँ पे सिंपली आपको इस पर टैप करके प्ले कर लेना है, आपकी वीडियो प्ले होने लगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ये दिखाएगा, लिंक्स दिखाएगा कि किस किस रिलेशन में आपको देखना है, मतलब रेजोल्यूशन में देखना है। लाइक अभी यहाँ देख सकते हो 480p आ गया, 720p आ गया और 1080p आ गया, ये सारे में अवेलेबल है। आप जिस पे भी टैप करोगे तो सिंपली आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन पूछता है, प्ले, ओपन विथ, डाउनलोड एंड कॉपी टू क्लिकबोर्ड, मतलब इसका लिंक कॉपी करके कहीं पेस्ट करके देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। तो इसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो होपफुली गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ साथ वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, साथ साथ व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग एंड बाय गाइस। राजा इसे कहे देखो तरह हो जिस
सिर्फ खोलो ना वही।